हेलो एवरीवन, मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लाइव डायरीज पर। और आज वेनेसडे है और मेरा आज फास्टिंग है। और आज जो फास्ट है वो शीतला माता का फास्टिंग होता है। वो मतलब जिसके पास बेबी बॉय है उनके लिए वो लोग ये फास्टिंग करते हैं। और दिन भर फास्टिंग करना होता है। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मीन्स अराउंड बिफोर सनराइज आपको ये पूजा करनी होती है। तो मैं बस फास्टिंग कर रही हूँ, पूजा मेरे मदर इन लॉ करेगी वहाँ इंडिया में, क्योंकि वो करेंगी तो मेरे बेटे को भी और उनके बेटे को भी दोनों को मिलेगा ये पूजा का फल। और मैं करूँगी तो बस मेरे बेटे को मिलेगा, इसके लिए मम्मी करेंगी वहाँ पे पूजा मॉर्निंग में। मुझे बस उन्होंने बोला है फास्टिंग करने के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर ही करना चाहिए था मुझे, बट लास्ट ईयर मलमास का साल था इसके लिए उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए मैंने लास्ट ईयर ये फास्टिंग नहीं की थी। इस साल से पहली बार मैंने ये स्टार्ट किया है। वही अभी मेरा फास्टिंग है और इसमें स्पेशली नमक नहीं खाना होता है। मैंने वैसे भी एक दिन तो नमक अवॉइड कर ही सकते हैं, इसके लिए ठीक है। और आज मतलब दो तीन दिन से इधर इतनी एक्सट्रीम गर्मी है, मतलब मैं बता ही नहीं सकती, इतना गर्म है। 24 आवर मेरा फ़ैन चालू है, मतलब बहुत ज़्यादा। और आज भी थोड़ी बारिश हुई है, बट प्रॉब्लम ये है कि बारिश होने के वजह से वो और ज़्यादा गर्म हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। ऐसे लग रहा है कि मतलब लग ही नहीं रहा है कि हम किसी यूरोप कंट्री में हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी मतलब इंडिया में ही ऐसा फीलिंग है, क्योंकि इतना गर्म है, एक्सट्रीम गर्मी है। मेरे को बाहर का आप लोग को क्लाइमेट दिखाती हूँ, अभी थोड़ा नॉर्मल है। आज ऐसा है कि मतलब नॉर्मल न्यूट्रल है, बट फिर भी बहुत गर्मी है। मतलब मेरे नोज़ अपर लिप वगैरह में बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग है। अभी तो इवनिंग हो गया है, मैंने मॉर्निंग से कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि रियांश के काम में फिर घर के काम में मैं बहुत ही बिजी थी, जिसके वजह से कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और मैंने आज ये ब्यूटीफुल सी साड़ी वेयर की हुई है, देखिए आप लोग को फुल लुक दिखाती हूँ, वेट आप लोगों को फुल लुक दिखाती हूँ। मैं भी शायद ही दिख रहा है, ये कॉटन नहीं है बट ये सिल्क में ही है और काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ पे मैंने स्टैंड लगाया हुआ है, कपड़ा सूख रहा है और वहाँ टॉवेल वगैरह डाल दिया है ऐसे। आप लोग बताना कमेंट करके मेरी साड़ी कैसी लग रही है, क्योंकि मैंने बोला साड़ी का यूज़ कर लेती हूँ जो मैंने मंगाया है इंडिया से। चलो मैं बाहर का आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। बारिश हो रही थी, ऐसे लग ही नहीं रहा है नीचे देख के कि आज बारिश का कोई महीना, मतलब बारिश हुई थी मॉर्निंग में। एक्चुअली में मिडनाइट से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, अराउंड 3 o'clock से, और फिर उसके बाद मॉर्निंग में भी थोड़ा हुआ है। और अभी तो क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है, प्लस हवा भी चल रही है, तो देखिए वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझेगा, काफ़ी अच्छी हवा है, ठंडी हवा है, बट फिर भी बहुत गर्म हो रहा है। पर यूरोप में ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इतनी गर्मी है। लिटरली जो लोग रोड पे मतलब ऐसे रास्ते पे साइकिलिंग करके जाते हैं, वो लोग अपना टी शर्ट निकाल के साइकिलिंग कर रहे थे, ऐसे मैंने कई लोगों को देखा था। पार्क में भी वो है, मेरे घर के पास जो पार्क है वहाँ पे ये है, क्या बोलते हैं उसको, फाउंटन। वो फाउंटन जनरली समर में ही वो ज़्यादातर चालू किया जाता है, और वहाँ पे जो फाउंटन चालू किया है तो बच्चे लोग वो फाउंटन में जाके कपड़े निकाल के मस्त नहा रहे हैं, एकदम इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हीट है। मतलब यहाँ पे अभी उसको हीट वेव बोलते हैं, इतना ज़्यादा जो गर्म हो रहा है उसको, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का है। मतलब यहाँ पे एक तो सीलिंग फ़ैन नहीं होता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सीलिंग फ़ैन नहीं है। टेबल फ़ैन की हवा वो प्रॉपर आप उसके आगे बैठोगे तो ही आपको लगेगी, तो वो बहुत ही इरिटेटिंग है। बट ठीक है, ये दो तीन दिन ऐसा ही गर्म होगा, उसके बाद फिर नॉर्मल होने वाला है, जैसे कि आज नॉर्मल है क्लाइमेट, फिर भी मुझे तो गर्म हो रहा है ऐसे, ठीक है। बट और अभी बस रियांश अभी सो रहा है, अभी 6:30 बजने जा रहे हैं, मैंने इतना लेट ही ब्लॉगिंग सोचा आप लोगों के साथ बातें शेयर करूं, और आज मेरा लुक कैसा है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। अभी मॉर्निंग के लिए भाजी कट कर रही हूँ,
और मॉर्निंग में मैं कैप्सिकम और पनीर की भाजी बनाऊंगी। थोड़ा मैंने ऑलरेडी पहले कट करके रख दिया था, और फिर अभी बट उतने में होगा नहीं, सो मैं भी पूरा कट कर लेती हूँ, क्योंकि जो मैं मॉर्निंग में बनाती हूँ सो वही मैं लंच में मैं अपने लिए भी साथ में ही बना लेती हूँ। भाजी ज़्यादा ही बना लेती हूँ कि मुझे भी लंच में हो जाए और ये टिफिन में भी लेके चले जाए। सो ये अभी रात को कट करके रख देती भाजी, तो मॉर्निंग में थोड़ा इजी हो जाता है मेरे लिए। और मुझे भी कैप्सिकम और पनीर की भाजी है तो अच्छी लगती है। और क्या होता है, अगर मैं पनीर की भाजी बना रही हूँ मैं कैप्सिकम की भाजी बनाती हूँ, तो मैं प्रियांश को भी खिला देती हूँ, उसको पता नहीं चलता है वो, नहीं तो फिर नाटक करता है। बट नहीं तो मैं ट्राई करती हूँ कि उसको भी भाजी वगैरह खिलाऊँ, क्योंकि अभी 1 सितंबर से उसका स्कूल स्टार्ट होगा। देन वो अभी स्कूल में पता नहीं टिफिन का क्या है, मुझे लेके आना है कि स्कूल में ही, अभी वो डिसाइड नहीं है कि स्कूल की तरफ से ही रखूँगी कि मैं उसको डेली पिकअप एंड ड्रॉप करूँगी लंच टाइम में। अभी वो तो यहाँ के म्यूनसिपल में जाके पहले बात करूँगी, उसके बाद ही डिसाइड होगा अभी करना है इसके लिए। और रियांश क्या कर रहे हैं तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को, रियांश क्या कर रहे हैं। रियांश, ये रियांश क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, खाना खा रहा। क्या कर रहे हो? खाना। खाना खा रहे हो? खाना में क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? एप्पल आया। एप्पल का है, ये रहा रियांश का एप्पल। एप्पल खा रहे हो? ओके। इतने इतने मुश्किल से मैंने, एक मिनट है सेट कर दो पहले। इतने मुश्किल से मैंने रियांश को कन्विंस किया है ना कि अपने हाथ से खाने के लिए, वरना मम्मी खिलाओ या नहीं खाना डायरेक्ट। वैसे भी वो कोई और फ्रूट तो नहीं खाता है, बट एप्पल है कि एप्पल एक लौता ऐसा फ्रूट है जो वो खा लेता है, अदरवाइज बनाना फिर यहाँ ऑरेंज ये सब नहीं। बट ठीक है, बट कोशिश करती हूँ। हो गया, कट हो गया, इसको रख देती हूँ। और बस रियांश को ही अभी रियांश को ही डिनर कराना है, बाकी तो मेरा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, मेरा पूरा क्लीन हो चुका है, अभी यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है। बस मेरा ये छोटा सा ब्लॉग था आज का, मैं अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग बताइएगा मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके एक एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है और ब्लॉगिंग करने का मन करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।